So guys, we are in the process of learning data analysis process, and you already know there are 5 steps in the data analysis process. The first step is asking the right question, and you already know that this varies individual to individual, right? Matlab, it's a talent or it's a gift or it's an art. कि डेटा को देख के सही क्वेश्चन पूछना राइट और ये टू बी ऑनेस्ट कोई आपको सिखा नहीं सकता है. इट कम्स फ्रॉम विद इन. आप करते करते सीख जाओगे या फिर आप किसी ऐसे डोमेन की डेटा में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे. सो इसके ऊपर हमने ज़्यादा काम नहीं किया. हम सीधे सेकेंड स्टेप पे गए विच इज़ डेटा रैंगलिंग. एंड डेटा रैंगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें खुद 3 स्टेप्स होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज गैदरिंग डेटा वेर यू ब्रिंग द डेटा. द सेकेंड इज असेसिंग डेटा, डेटा को एक बार देखना. देन क्लीनिंग डेटा, अनक्लीन डेटा को ठीक करना. एंड वी नो कि गैदरिंग डेटा इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सो जनरली यू विल गेट अ CSV फाइल फ्रॉम वेयर यू नो यू कैन डायरेक्टली एनालाइज योर डेटा. बट समटाइम्स द डेटा सोर्स इज नॉट डायरेक्ट. सो इन दैट केस यू विल हैव टू work a little extra in order to gather data. So there are 3 ways. The first one is APIs, हम काम कर चुके हैं. Web scraping, again हमने काम कर लिया. और databases, इसके ऊपर भी हमने काम किया है, ठीक है. और उसके बाद जब data तुम्हारे पास आ जाता है तो now you assess the data so that you know कि कहाँ पर गलतियाँ हैं. And then you clean data, जो भी गलतियाँ उसको ठीक करते हो, ठीक है. एंड द फोर्थ स्टेप इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देन ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग रिजल्ट. ओके, सो दिस वीडियो, दिस स्पेसिफिक वीडियो इज डेडिकेटेड टू द सेकेंड स्टेप, असेसिंग डेटा. ओके, सो असेसिंग डेटा क्या होता है? असेसिंग डेटा इज दिस स्टेप वेर द डेटा, इन दिस स्टेप द डेटा इज टू बी अंडरस्टूड मोर डीपली बिफोर इम्प्लीमेंटिंग मेथड्स टू क्लीन इट. ओके, you will definitely need to have a better idea about what the data is about. Simply speaking, data ko clean karna padega algorithm mein dene ke pehle, right? Aur data cleaning tab hoga jab aapko pata hoga ki gadbad kahan par hai. So ye jo gadbad khojne ka process hai na, isi ko hum bolte hain assessing data. That's it, simple. Okay, so डेटा को क्लीन करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट वेयर द अनक्लीन डेटा इज. एंड टू फाइंड आउट अनक्लीन डेटा, लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज अनक्लीन डेटा, ठीक है. सो देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट साइंस. जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज नॉट साइंस. नथिंग इज डिफाइंड. मतलब अलग अलग डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट अलग अलग स्टाइल से काम करते हैं. सो ये बस एक मैं फ्रेमवर्क सेटिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ सो दैट तुम जब ये प्रोसेस में उतरो तो तुमको ये याद रहे कि ये दीज आर द स्टेप्स जिसको रफली फॉलो करने से वी कैन रीच समवेयर. ओके, सो अनक्लीन डेटा 2 तरीके का होता है. द फर्स्ट वन इज डर्टी डेटा, राइट, डेटा विथ क्वालिटी इश्यूज. एंड द सेकेंड वन इज मेसी डेटा, डेटा विथ टाइडीनेस इश्यूज. आई डिफाइन वॉट बोथ ऑफ देम आर. सो डर्टी डेटा ऑल्सो नोन एज लो क्वालिटी डेटा इज अ डेटा विच हैज कॉन्टेंट इश्यूज. मतलब उस डेटा के कॉन्टेंट में प्रॉब्लम है, राइट. उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं डर्टी डेटा. ओके, सेकेंड होता है मेसी डेटा जिसको हम अनटाइडी डेटा भी बोलते हैं. और अनटाइडी डेटा का प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, ठीक है. मैं दोनों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन डर्टी डेटा क्या है. ओके, सो डर्टी डेटा इज अ डेटा वेन द डेटा हैज फॉलोइंग काइंड ऑफ इश्यूज. सो एक इशू हो सकता है कि उसमें डुप्लीकेटेड एंट्रीज हैं, दैट मेक्स द डेटा डर्टी डेटा, ठीक है. द सेकेंड इज मिसिंग वैल्यूज आर देयर, अगेन वन मेजर इशू. थर्ड, डेटा इज करेक्ट, तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि डेटा में क्या है, या फिर इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है. डेटा के एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, तुमको मतलब देख के समझ में आ रहा है कि ये सही नहीं है, ठीक है. सो ये 4 तरह के अगर इश्यूज मिल रहे हैं तुमको डेटा में तो ये डेटा को बनाता है डर्टी डेटा, ठीक है. सेकेंड, लेट्स डिफाइन व्हाट इज मेसी डेटा. सो व्हेन द डेटा हैज स्ट्रक्चरल इश्यूज इट इज नोन एज मेसी और अनटाइडी डेटा. सी, टाइडी डेटा क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं. सो टाइडी डेटा के 3 रूल्स होते हैं. द फर्स्ट रूल इज ईच वेरिएबल फॉर्म्स अ कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रूल. ईच ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स अ रो, दिस इज द सेकेंड रूल. द थर्ड रूल इज
ईच ऑब्जर्वेशनल यूनिट फॉर्म्स अ टेबल. अगर इन तीनों में से एक भी रूल वायलेट हो रहा है तो वो मैसी डेटा बन जाएगा या अनटाइडी डेटा बन जाएगा. आई शो यू वन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज दिस. यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम पेशेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं और उसको कुछ दवाई खिला रहे हैं, इस चीज़ का रिकॉर्ड है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कायदे से हमारे पास सिर्फ एक ड्रग कॉलम होना चाहिए था और उसका डोज होना चाहिए था, बट हमने तीन कॉलम्स बनाए, एक स्पेसिफिकली फॉर ड्रग ए और एक ड्रग बी और एक ड्रग सी के लिए. एंड यू कैन सी जो पेशेंट है वो या तो ड्रग ए ले रहा है या तो बी ले रहा है या तो सी ले रहा है. इसका मतलब जो तुम्हारा टेबल फॉर्म हो रहा है वो स्पार्स है, मतलब बहुत सारे नैन वैल्यूज आएंगे. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल इशू है और इसकी वजह से ये डेटा सेट बिकम्स अनटाइडी और मैसी डेटा. ओके, सो आई होप ये अनक्लीन डेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर है. मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, दो तरीके का होता है अनक्लीन डेटा. सो देर इज डर्टी डेटा जिसमें क्वालिटी इश्यूज होते हैं, और सेकेंड है मैसी डेटा जिसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं. यही दोनों तरह के चीज़ों को तुमको खोजना है. ठीक है ना, दैट्स योर गोल. अब ये खोजने में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये खोजने के दो तरीके हैं. ठीक है, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ असेसमेंट्स दैट यू कैन डू. द फर्स्ट वन इज मैनुअल असेसमेंट, वेयर व्हाट यू डू इज यू जस्ट लुक अपॉन ऑन द कोड एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न्स और यू नो यू ट्राई टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ एनोमलीज. ये एरर्स तुम आंखों से डायरेक्टली ट्राई करते हो देखने का. ठीक है, नो प्रोग्रामिंग टूल्स, नो फंक्शंस, नथिंग. डेटा सामने है और मैं मैनुअली इसको देख रहा हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, बट मैनुअली चेक करने में एक बहुत मेजर जो फायदा है वो ये है कि तुमको डेटा का बहुत क्लियर आइडिया लगने लग जाता है. गाइज, यू वोंट बिलीव, जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनका डेटा एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, मैंने हमेशा एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया उन लोगों में कि वो लोग डेटा को लाइक घंटों देखते हैं, मतलब डेटा को स्क्रीन पर रख करके देख रहे हैं, बस डेटा को देख रहे हैं, नथिंग. मतलब दे आर नॉट इवन आस्किंग क्वेश्चन, दे आर जस्ट सीइंग डेटा. सो दे आर एक्चुअली फिलिंग देयर सबकॉन्शियस माइंड विथ दैट डेटा, राइट? सो ये करना चाहिए. ठीक है, सो मैनुअल असेसमेंट इज द फर्स्ट असेसमेंट टाइप जहाँ पर तुम डेटा को डायरेक्टली देख रहे हो. ठीक है, द सेकेंड असेसमेंट इज प्रोग्रामेटिक. ठीक है, जहाँ पर तुम पैंडास के फंक्शंस यूज करते हो, इन्फो फंक्शन, डिस्क्राइब फंक्शन या सैम्पल फंक्शन. ठीक है, और तुम डेटा में वो एरर्स को खोजते हो. ठीक है, सो दो तरीके से तुम असेसमेंट कर रहे हो. सेकेंड, जब तुम ये असेसमेंट्स कर रहे होते हो तो तुमको दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. पहला स्टेप, यू डिस्कवर दीज एरर्स, दीज एनोमलीज. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ऑब्वियसली असेसमेंट में पहला स्टेप होता है डिस्कवर करना, एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू डॉक्यूमेंट इट. मतलब ऐसा सोच लिया और देख लिया और समझ गया कि यहाँ पे एरर है, ऐसे रखना नहीं है, तुमको कहीं पे इसको नोट डाउन करते रहना, सो दैट जब तुम क्लीन करने जाओ तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड यू नो रिकॉर्ड है कि मुझे इसको ठीक करना है, फिर मुझे इसको ठीक करना है, फिर मुझे इसको ठीक करना है. ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस. ठीक है, दिस इज वॉट वी विल डू इन दिस वीडियो. सो वॉट वी विल डू इज, मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है और ये टॉय डेटा सेट्स है, मतलब जिसने भी इसको क्रिएट किया है उसने जानबूझ के इसमें कुछ एरर्स छोड़े हैं. और ये डेटा है क्लिनिकल ट्रायल डेटा ऑफ इंसुलिन. ठीक है, सो इंसुलिन अगर आपको पता होगा, इट्स यूज्ड टू आई डोंट नो रिड्यूस डायबिटीज एंड ऑल, मेरा उतना नॉलेज नहीं है उसमें, बट डायबिटीज के क्योर के लिए इंसुलिन यूज होता है. और इंसुलिन जनरली इंसुलिन के शॉट्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं. सो इन लोगों ने शायद कुछ एक नया मेडिसिन निकाला है जिससे आप उसको खा सकते हो, उस मेडिसिन को, रादर देन टेकिंग शॉट्स. तो ये कुछ पेशेंट्स भी उसको ट्राई कर रहे हैं और ये उस चीज़ का डेटा है. सो यहाँ पर हमारे पास तीन टेबल्स हैं. सो द फर्स्ट टेबल इज पेशेंट्स डॉट सी एस वी, द सेकेंड टेबल इज ट्रीटमेंट्स डॉट सी एस वी, एंड द थर्ड टेबल इज एडवर्स रिएक्शंस डॉट सी एस वी. ठीक है, मैंने तीनों का शेप निकाल दिया है. सो पेशेंट्स में 503 पेशेंट्स हैं और देर आर 14 कॉलम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. और ट्रीटमेंट्स में देर आर 280 रोज विथ 7 कॉलम्स, और एडवर्स रिएक्शन में देर आर ओनली 34 रोज. ठीक है, और ये रहे वो सारे के सारे डेटा फ्रेम्स. दिस इज पेशेंट्स, दिस इज हेड, एंड सॉरी आई एम नॉट आई एम सॉरी दिस इज नॉट हेड, दिस इज ट्रीटमेंट्स, एंड देन दिस इज एडवर्स रिएक्शन. ओके, सो ये तीनों अपने पास है. अब हमारा गोल क्या है इस वीडियो में, कि हम मैनुअल असेसमेंट के थ्रू और प्रोग्रामेटिक असेसमेंट के थ्रू दोनों तरह के डेटा इश्यूज को, मतलब अनक्लीन डेटा को हम फेच करेंगे या डिस्कवर करेंगे. द फर्स्ट वन वुड बी डर्टी डेटा विथ क्वालिटी इश्यूज, एंड देन विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अनटाइडी डेटा और मेसी डेटा विथ स्ट्रक्चरल इशूज. ठीक है, सो दैट इज द गोल ऑफ दिस वीडियो. ओके गाइज, सो
Now our next goal is to do a manual assessment and find quality issues in our data. ओके तो मैंने सारे के सारे फाइल्स को लोड कर लिया, पेशेंट्स को, ट्रीटमेंट्स को और एडवर्स वाले को. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सी मैनुअल असेसमेंट का आइडिया बस इतना है कि तुमको डेटा समझ में आए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा समझ में आना चाहिए, ठीक है? जैसे एक चीज़ यहाँ पे मैं शायद बताना भूल गया. यहाँ पे क्या हुआ है कि ये अपने सारे पेशेंट्स हैं, सो देर आर इन टोटल 503 पेशेंट्स, एंड हमने उनके ऊपर ये देर आर टू वेज ऑफ गिविंग इंसुलिन. द फर्स्ट वन इज़ दिस नोवोड्रा, वेर यू पुट इंजेक्शंस इन द पेशेंट्स बॉडी, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस न्यू ओरल इंसुलिन, जहाँ पे दवाई के थ्रू इंसुलिन दे रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हुआ है इस डेटा सेट में कि आउट ऑफ दीज 503 पेशेंट्स, 175 पेशेंट्स को उठाया गया, एक्चुअली 350 पेशेंट्स को उठाया गया. 175 को नोवोड्रा दिया गया और 175 को ऑरुलिन दिया गया, ठीक है? और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया गया कि जो इम्पैक्ट नोवोड्रा का है, इंजेक्शंस का है, क्या सेम इम्पैक्ट ही तुम्हारा दवाई का भी है कि नहीं. दैट्स द होल आइडिया, ठीक है? और फिर जिन लोगों को थोड़े भी एडवर्स इफेक्ट्स आए, वो डेटा हमने एडवर्स रिएक्शन टेबल में डाल के रखा है, थर्ड वाले में, ठीक है? सो दिस इज द एंटायर आइडिया. नाउ अब हमारा काम क्या है कि हम लोग एक मैनुअल असेसमेंट करेंगे तीनों डेटा फ्रेम्स का, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज जो हमारे डेटा सेट में है, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट वन, पेशेंट्स. अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए कि तुम जो चीज़ तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा में उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है? सो जैसे कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम देखो तो ये है, ट्रीटमेंट्स वाले टेबल में दिस पर्टिकुलर कॉलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, HbA1c चेंज, ठीक है? ये चेंज से ही तुमको पता चलेगा कि नोवोड्रा और ऑरेलिन, ये जो दोनों वेज हैं इंसुलिन देने के, ये बराबर इफेक्टिव हैं कि नहीं, ठीक है? सो अगर मैं ट्रीटमेंट टेबल को कम्प्लीटली रन करूँ तो सीधे सीधे मेरे को एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है HbA1c कॉलम, यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज हैं. अब ये निकलता कैसे है? HbA1c चेंज निकलता है HbA1c स्टार्ट माइनस HbA1c एंड को सब्ट्रैक्ट करने से. और यहाँ पर क्या हुआ है कि आई डोंट नो, जिसने भी डेटा क्रिएट किया है उसने कुछ में सब्ट्रैक्शन किया है, कुछ में वो करना भूल गया, या उसने स्किप कर दिया है, जो भी रीजन है, बट बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास बहुत सारे नैन वैल्यूज हैं, ठीक है? सो ये क्लियर कट मेरे पास पहला इंडिकेशन है कि हमारे डेटा में कुछ क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है? सो हमने क्या करना है कि हमें नीचे जा करके मैंने क्या किया है कि मैंने दो सेल्स बनाए, एक जिसमें मैं क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज लिखूंगा फॉर ऑल ऑफ थ्री टेबल्स, पेशेंट्स, ट्रीटमेंट्स एंड एडवर्स रिएक्शंस, एंड सिमिलरली मैंने एक और सेल बनाया है जहाँ पे मैं टाइडीनेस रिलेटेड इश्यूज लिखूंगा फॉर बोथ पेशेंट्स एंड ट्रीटमेंट्स एंड एडवर्स रिएक्शंस. ओके नाउ द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस थिंग इज, बिकॉज मैंने आपको बोला था फर्स्ट यू डिस्कवर देन यू डॉक्यूमेंट. व्हाई डू यू डॉक्यूमेंट? बिकॉज जब तुम क्लीन करने जाओगे तो तुम्हारे पास ये दो सेल्स रहेंगे, तुम्हारे पास एक टारगेट रहेगा कि मुझे यही करना है, ठीक है? इसलिए हम ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं. तो अभी हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि हमारे ट्रीटमेंट्स टेबल में, हमारे ट्रीटमेंट टेबल में ये जो कॉलम है HbA1c चेंज, इसमें मिसिंग वैल्यूज है. तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जा करके इसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है? सो क्वालिटी वाले में जाएंगे एंड इन साइड ट्रीटमेंट्स टेबल आई विल एड H1BAC चेंज कॉलम हैज मिसिंग वैल्यूज, ठीक है? ये मेरा पहला चीज आ गया, ठीक है? अब और थोड़ा सा ट्राई करते हैं एक्सप्लोर करने का. जैसे कि ये पेशेंट्स कॉलम है, यहाँ पर इफ यू ट्राई टू स्क्रोल और इफ यू ट्राई टू सी द वेरियस कॉलम्स, सो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ सो दैट एक गो में मेरे को ज़्यादा दिखाई दे. या सो यहाँ पे पेशेंट्स का बस रिकॉर्ड है, सो सेक्स, नेम, सरनेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, कॉन्टैक्ट, बर्थ रेट, वेट, हाइट, BMI, ठीक है? यहाँ पर एक एरर तुम लोग को दिख सकता है कि हमने समहाउ इस डेटा सेट में जिप कोड को डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया है, एज इन मोस्ट लाइकली इंटरनली दिस कॉलम इज अ डेसिमल, राइट? एक और क्लियर कट पहले 5 रोज में ही मेरे को दिख रहा है, पहले 5-6 रोज में,
कुछ जिप कोड्स 5 डिजिट के हैं और कुछ जिप कोड्स 4 डिजिट के हैं। जिप कोड्स शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब 5 डिजिट के ही होने चाहिए। जैसे इंडिया में शायद नहीं, इंडिया में 6 डिजिट के होते हैं, यूएस में आई गेस 5 डिजिट के होते हैं, बट यहाँ पर देर आर सर्टेन जिप कोड्स जो 4 डिजिट्स के हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दो इश्यूज दिख रहे हैं। फर्स्ट इज कि डेसिमल में रिप्रेजेंटेड है जिप कोड, जो कि नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग। सेकेंड, कुछ जिप कोड्स गलत हैं बिकॉज उसमें एक डिजिट कम है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे नीचे जाके। सो विल गो टू पेशेंस कॉलम एंड विल राइट, द फर्स्ट थिंग दैट विल राइट इज जिप कोड कॉलम इज स्टोर्ड इन डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। हम लोग बस इतना लिख ले रहे हैं। सेकेंड, हम लिख रहे हैं सर्टेन जिप कोड्स आर ऑफ 4 डिजिट्स, राइट। ये हमने रन कर लिया, इतना हो गया। अब और हम लोग कुछ देख रहे हैं, जैसे कि ओके, एक चीज मैंने और यहाँ पे नोटिस की थी, दैट इज कि स्टेट्स जो है ना, अपने इन्होंने स्टेट्स को एनकोड करने में कभी कभी पूरा नाम लिखा और कभी कभी एब्रीविएशन यूज किया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया, ठीक है। आई विल शो यू, जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क इन लोगों ने यूज किया, और फिर नीचे जाओगे अगर आप तो यू विल नोटिस इन्होंने कहीं पे NY भी यूज किया। सो थोड़ा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है इस डेटा के, ठीक है। तो हम इसको भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे पेशेंट्स टेबल में वी आर राइटिंग फॉर द स्टेट कॉलम समटाइम्स फुल नेम्स आर यूज्ड एंड अदर टाइम्स शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड, शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड, ठीक है। ये हो गया तीसरा हमारा क्वालिटी रिलेटेड इशू। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज ओके, अब इस वाले कॉलम पे फोकस करते हैं, ट्रीटमेंट वाले डेटा फ्रेम पे फोकस करते हैं। यहाँ पर क्या है कि इफ़ यू नोटिस, ये ऑरलिन का डोज के बारे में है कि लोअर 41 यू यू एज इन सम यूनिट और 48 इज द हाईएस्ट फॉर दिस पेशेंट, एंड सिमिलरली नोवोड्रा में भी सेम उन्होंने फॉर्मेट फॉलो किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो देखने में ही सही नहीं लग रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब स्ट्रक्चरल इश्यूज इसमें दिख रहे हैं, बट वो हम टाइडी डेटा के टाइम पे कवर करेंगे। बट फॉर नाउ एक मेजर इशू क्या है कि इन लोगों ने, सिंस दीज थिंग्स आर नंबर, डोज कितना है ये नंबर है, उसके आगे इन्होंने जबरदस्ती का यू लगा दिया, एज इन यूनिट लगा दिया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कॉलम स्ट्रिंग बन गया और इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना या कंपेरिजन्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, विल राइट इनसाइड क्वालिटी इनसाइड ट्रीटमेंट विल राइट दैट नोवोड्रा एंड ऑरलिन कॉलम्स हैज यू अटैच्ड टू नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज वन मोर इशू दैट वी वॉन्ट टू सॉल्व। द नेक्स्ट थिंग इज या सो मैंने आपको जैसे बोला था कि देर आर 503 पेशेंट्स, एंड आउट ऑफ दोज 503 पेशेंट्स हमने 175 प्लस 175 पेशेंट्स को चूज किया, 175 नोवोड्रा लेकर के, 175 ऑरलिन लेकर के। बट द प्रॉब्लम इज कि जब तुम ये वाला डेटा देखोगे, ट्रीटमेंट्स वाला डेटा, तो यू विल नोटिस देर आर ओनली 280 रोज। सो 350 होना चाहिए था, 175 प्लस 175, बट देर इज ओनली 280, सो डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो ये भी क्वालिटी इशू है। सो हम यहाँ पे जाकर के लिखेंगे ट्रीटमेंट्स टेबल में ओनली 280 रोज आर देयर इंस्टेड ऑफ 350, ओके। एंड फाइनली वन लास्ट थिंग इज कि इफ़ यू नोटिस, जो पेशेंट्स यहाँ पर हैं, इनमें से ही कुछ पेशेंट्स को हम
ट्रीटमेंट टेबल में लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पर इफ यू सी उनका नेम और उनका सरनेम पूरा स्मॉल लेटर में है इन कंपैरिजन टू यहाँ पर. सो कल को अगर मुझे जॉइंस परफॉर्म करने पड़े या मर्ज करना पड़ा डेटा फ्रेम में तो प्रॉब्लम होगा, सर्च नहीं कर पाएगा. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रीटमेंट्स टेबल नेम एंड सरनेम कॉलम इज इन लोअर केस, सॉरी कॉलम इज इन लोअर केस. ठीक है, और ये हो गया हमारा मैनुअल असेसमेंट. और भी चीज़ें हैं टू बी ऑनेस्ट, इस डेटा में इन लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बट मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं हाउ टू डू प्रोग्रामेटिक असेसमेंट टू फाइंड आउट क्वालिटी इश्यूज. ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट विल डू प्रोग्रामेटिक असेसमेंट टू फाइंड आउट क्वालिटी इश्यूज इन आर डेटा. ओके, सो प्रोग्रामेटिक असेसमेंट का सिंपल मीनिंग इज यू विल यूज पैंडास फंक्शंस, जिसको यूज करके तुमको यू नो कंप्लीट डेटा के बारे में आइडिया मिलेगा. क्योंकि सी मैनुअली करने में प्रॉब्लम क्या है कि डेटा बहुत बड़ा है, राइट? तो तुम थोड़ा सा समझ भी सकते हो एक लेवल पे, बट पूरे के पूरे डेटा का आइडिया लगना इज टोटली इम्पॉसिबल. सो प्रोग्रामेटिक असेसमेंट वहाँ पे अपने को हेल्प करेगा. ठीक है, सो बहुत सिंपल है. टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले जो करना चाहिए वो ये है कि सभी के ऊपर विदाउट इवन थिंकिंग एनी थिंग सीधे इन्फो फंक्शन लगा दो तीनों डेटा फ्रेम्स के ऊपर. आई विल शो यू, उससे ही बहुत आइडिया मिल जाता है. सो मैंने पेशेंट्स के ऊपर लगाया, और अगर आप पेशेंट्स के ऊपर ये डेटा लगाओ, मतलब इन्फो फंक्शन लगाओ, तो यू विल नोटिस कि मल्टीपल चीज़ें देता है इन्फो फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएगा कि टोटल कितने नॉट नल वैल्यूज़ हैं, और हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, और मेमोरी यूसेज कितना है उस डेटा का, थिंग्स लाइक दैट. अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियरली दिख रहा है कि एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री और कॉन्टैक्ट, ये 6 कॉलम्स में देर आर मिसिंग वैल्यूज़. मतलब टोटल 503 वैल्यूज़ है बाकी कॉलम्स में, यहाँ पे देर आर ओनली 491 वैल्यूज. सो 12 कॉलम्स में देर आर मिसिंग वैल्यूज, एंड यू कैन एक्चुअली चेक दैट. यू कैन एक्चुअली राइट दिस पीस ऑफ कोड, आई विल शो यू. सो यू कैन राइट पेशेंट्स का एड्रेस डॉट इज नल, राइट? और इसी को अगर मैं वापस पेशेंट्स में डाल दूं तो बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू आई विल बी एबल टू फेच ऑल दोज रोज जहां पर दीज वैल्यूज आर मिसिंग. एंड एक्चुअली ये कुछ 209 से लेकर के 296 के बीच में देर आर अराउंड आई डोंट नो 12-13 एंट्रीज जहां पर कि एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं है मेरे पास. सो इन पैसेंजर्स का, आई एम सॉरी, पार पैसेंजर निकल रहा है, इन पेशेंट्स का मेरे पास कोई कांटेक्ट रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है, तो सी अगेन, इसको हटाना है या इसको फिल करना है या क्या करना है वो हमारा क्लीनिंग स्टेज का कंसर्न है, बट इस पॉइंट पे हम लोग को इसको डॉक्यूमेंट करना है कि ये इशू है हमारे डेटा में. ठीक है, सो आई विल गो डाउन एंड इन द पेशेंट्स टेबल आई विल राइट मिसिंग वैल्यूज फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ 12 पेशेंट्स. ठीक है, चाहो तो यहाँ पे अपना इंडेक्स भी दे सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक है. सो दैट इज़ वन थिंग जो हम लोग को मिला. सिमिलरली एक बार लेट्स क्विकली चेक कि बाकी कहीं पे मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं बाकी दोनों डेटा फ्रेम्स में. सो विल रन ट्रीटमेंट्स के ऊपर, विल रन इन्फो, एंड आफ्टर रनिंग इन्फो ऑन ट्रीटमेंट्स, नहीं एक्चुअली इट्स ट्रीटमेंट, माई बैड, यहाँ पर H1AC चेंज में है, बट ये हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर लिया है. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है HBA1C चेंज कॉलम हैज मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यहाँ पर और तो कोई वैल्यूज मिसिंग नहीं है. ए लास्ट वाला जो है दैट इज एडवर्स रिएक्शन, एक्चुअली एडवर्स डॉट इन्फो करते हैं एंड वी शुड गेट.
सो यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं और तीनों में कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो मिसिंग वैल्यूज़ तो बस इन्हीं दो डेटा फ्रेम्स में। नेक्स्ट व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड डू अ असेसमेंट ऑन द डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत चीज़ें छुपी रहती हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम केयरफुली सारे कॉलम्स का डेटा टाइप देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि वो सही है कि नहीं, ठीक है? सो पेशेंट आईडी इज़ इंटीजर, फाइन। असाइंड सेक्स इज़ ऑब्जेक्ट। सी, पैंडास का खुद का नेटिव कैटेगरी डेटा टाइप होता है टू हैंडल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, तो हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है? सो इनकरेक्ट है ये अभी, विल नॉट कीप इट एज ऑब्जेक्ट, विल चेंज इट टू कैटेगरी। सो दैट इज़ वन थिंग। नेम इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली स्ट्रिंग्स, ओके? तो वो चलेगा। सरनेम इज़ ऑल्सो फाइन। एड्रेस इज़ फाइन। सिटी, सिटी इज़ ऑब्जेक्ट। सी, बहुत सारे सिटीज़ हो जाएंगे तो उसको कैटेगरी में चेंज करना लॉजिकल नहीं है, तो सिटी को भी छोड़ दिया। सेम गोज विद स्टेट, स्टेट में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। जिप कोड फ्लोट है, ये हमने पहले भी डिसाइड किया था कि इसको हमको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कंट्री इज ऑब्जेक्ट। कंट्री में एक्चुअली कोई चेंजेस करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स यूएस के ही हैं, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, एक ही कैटेगरी बनेगा और यहाँ पे ऐसे भी एक ही चीज़ है, तो आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है। कॉन्टैक्ट इज ऑब्जेक्ट, फाइन। बर्थ डेट इज ऑब्जेक्ट। इफ आई गो टू द डेटा सेट और यहाँ पे इफ आई गो टू बर्थ डेट, तो ये प्रॉपर डेट फॉर्मेट है, राइट? तो हमको इसको डेट फॉर्मेट में, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको सॉर्ट करना हो बर्थ डेट के हिसाब से पेशेंट्स को, ठीक है? तो क्लियरली मेरे पास दो कॉलम्स हैं, एज असाइन सेक्स और बर्थ रेट, जो सही कॉलम टाइप नहीं है, सही डेटा टाइप नहीं है, ठीक है? हाइट इज इंटीजर, हाइट इज इंटीजर। हाइट कुड बी इन डेसिमल, यहाँ पर इंचेस में है हाइट। सो फाइन, अब हमारे पास है ही नहीं वो डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इट्स ओके। एंड वेट, सॉरी, हाइट इज इन, या वेट इज इन फ्लोट, दैट इज फाइन। बीएमआई इज इन फ्लोट, ठीक है? सो ये असेसमेंट करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि असाइंड सेक्स का कॉलम टाइप डेटा टाइप चेंज करना है, एंड सेम विथ बर्थ रेट, ठीक है? सो हम दोनों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। विल गो डाउन एंड विल क्विकली राइट फॉर पेशेंस। विल राइट इनकरेक्ट डेटा टाइप्स फॉर, फर्स्ट वन वॉज असाइंड सेक्स, असाइंड सेक्स एंड द सेकेंड वन वॉज आई गेस बर्थडे, बर्थ डेट कॉलम्स, ठीक है? ये हो गया। अब सेम ये असेसमेंट हम लोग कर लेते हैं बाकी दोनों के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स में गिवन नेम शुड बी ऑब्जेक्ट, सरनेम ऑब्जेक्ट, ऑरलिन और नोवोड्रा, यहाँ पे गड़बड़ है गाइस। ये न्यूमेरिकल डेटा है और ये ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है, ठीक है? तो ये चेंज करना है, ठीक है? और उसके बाद H1, ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ठीक है? सो यहाँ पे सब ठीक है। और लास्ट में ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, गिवन नेम, सरनेम और एडवांस रिएक्शन का टाइप, तो ठीक है। सो हमारे पास ट्रीटमेंट्स टेबल में एक क्वालिटी इशू है, दैट इज द इनकरेक्ट डेटा टाइप फॉर ऑरलिन एंड नोवोड्रा कॉलम्स, ठीक है? ये हो गया अपना। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट व्हाट वील डू इज हम और कुछ फंक्शंस ट्राई करेंगे, ठीक है? जैसे कि एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब, आई गेस तुमको पता होगा, न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर लगता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम लोग डिस्क्राइब लगाते हैं पेशेंट्स के ऊपर, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। सॉरी, सो पेशेंट्स के ऊपर हम जब डिस्क्राइब लगाएंगे विल गेट दिस। सो डिस्क्राइब गिव्स अस समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स। सो यहाँ पे इफ यू कैन सी काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, और उसके बाद अपने सारे क्वांटाइल्स दिए हुए हैं, और हमारे पास ये पांच न्यूमेरिकल कॉलम्स है। पेशेंट आईडी इसमें कुछ नहीं है, इसको इग्नोर मारते हैं। जिप कोड को भी हम एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देर इज नथिंग देयर। सो देर इज वेट, देर इज हाइट, देर इज बीएमआई, ठीक है? सो यहाँ पर सिंस मैंने पहले से इस डेटा पे काम कर रखा है, तो आई विल शो यू वन एनोमली एंड दिस इज अ बिग इश्यू।
नॉट अ बिग इशू एक्चुअली, दिस इज एन इशू, आई विल शो यू. हमारे पास हाइट इंचेस में है, और अगर आप नोटिस करो तो मिनिमम वैल्यू हाइट का इज 27 इंचेस. 27 इंचेस, दैट इज वेरी स्मॉल. लाइक 27 इंचेस का ह्यूमन बीइंग विथ अ BMI of let's say even 17, that is not possible. मतलब ये incorrect data है यहाँ पे. 27 should not be there. ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से हमारा mathematics का calculations गड़बड़ हो सकता है. Similarly यहाँ पे हम लोग pounds में weight ले रहे हैं, और there is this guy जिसका weight is 48 kilos. Assuming यहाँ पे सारे 18 years के ऊपर के patients हैं, ये दोनों data erroneous हैं. सो वॉट वी विल डू इज, हम पेशेंट्स में जाके लिख देंगे कि एररनेस डेटा फॉर वेट्स एंड हाइट्स. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग डिस्क्राइब लगाते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर. सो विल राइट ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट एक्चुअली ट्रीटमेंट डॉट डिस्क्राइब, एंड इफ वी रन दिस कोड, या सो यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम है. ये मैंने नोटिस किया कि जब तुम क्वांटाइल्स देखो, इसको इसका देखो एच बी ए वन सी चेंज का, तो मिनिमम इज 0.2, 25% इज 0.34, 50% इज 0.38, लेकिन 75% सीधे 0.92 हो जा रहा है. सो बहुत शार्प जंप है. ठीक है, बिटवीन 25% वैल्यू, सॉरी 50% वैल्यू एंड 75% वैल्यू. ठीक है, और जब इसको मैंने बैक ट्रैक किया तो आई रियलाइज कि कुछ एक प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट टेबल में. आई विल शो यू क्या प्रॉब्लम है. जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला डेटा देखो, मैंने पहले ही बोला था कि ये कॉलम निकलता है इन दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करके, राइट. सो यहाँ पे देखना, 7.56 और 7.09 को सब्ट्रैक्ट करने पे 0.47 होना चाहिए, यहाँ पे 0.97 लिखा हुआ है. ठीक है, आई विल शो यू सम मोर एरर्स. यहाँ पे भी देखना, 7.61 है, 7.16 है, अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू शुड गेट 0.45, यहाँ पे 0.95 दिया हुआ है. ठीक है, 0.95 दिया हुआ है, और तुम जहाँ जहाँ पे भी तुमको 9 दिखाई देगा यू विल नोटिस यहाँ पे 0.48 है, यहाँ पे उसको 0.98 किया हुआ है. तो समहाउ 4 को 9 किया हुआ है. तो अब इसका जो भी रीज़न है, एक लॉजिकल रीज़न है कि तुम किसी के हैंड राइटिंग को स्कैन करके डेटा क्रिएट कर रहे हो. सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो रहा है, और वहाँ पे जो भी डॉक्टर है उसका हैंड राइटिंग ऐसा है कि वो 4-9 लग रहा है. दैट कुड बी वन पॉसिबल रीज़न. बट जो भी है, यहाँ पर हम लोग को एक मेजर चेंज करना पड़ेगा इन आर ट्रीटमेंट टेबल, इन द HbA1c कॉलम. यहाँ पर 9 instead of 4. ठीक है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको रेक्टिफाई करना होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट डिस्क्राइब अगर हम यूज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है सैंपल बोल के. सैंपल क्या करता है, रैंडमली एक रो उठा करके तुमको देता है अपने डेटा फ्रेम में से. सो अगर तुम पेशेंट्स के ऊपर सैंपल लगाओ तो यू विल गेट वन रैंडम रो, दिस इज 163. ठीक है, अगर तुम इसके अंदर 5 डालोगे तो यू विल गेट रैंडमली सेलेक्टेड 5 रोज. ओके, यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने का है, दैट इज एक्चुअली ये मैंने पहले नोटिस किया था, एक बार फिर से रन करते हैं सो दैट कोई और रोज आए. या यहाँ पर यू विल नोटिस कि फोन नंबर्स इनकंसिस्टेंट तरीके से स्टोर्ड है. ठीक है,
सो 951719 और उसके बाद 9170, 320 272 4299, 773, सो बेसिकली 3, 3 और 4 क्या उसमें है, लेकिन फिर सडनली से देर आर सर्टेन फोन नंबर्स जो ऐसे दिख रहे हैं, +15085263432, तो आई डोंट नो कुछ एसटीडी कोड्स एंड ऑल है जो अलग ढंग से दिखाए हुए हैं. सो इनकंसिस्टेंट तरीके से फोन नंबर स्टोर्ड है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड. आई शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे यहाँ पे भी देखो, 205 ब्रैकेट्स में है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है. सो इनकन्सिस्टेंट वे ऑफ स्टोरिंग फोन नंबर्स इन कॉन्टैक्ट कॉलम, ठीक है. सो विल क्विकली राइट इट डाउन. सो इनकन्सिस्टेंट वे ऑफ स्टोरिंग फोन नंबर्स इन कॉन्टैक्ट कॉलम, ठीक है. दिस इज वन मोर इशू. द नेक्स्ट इशू इज डुप्लीकेट डेटा. सो ये इशू मेरे को मिला है पेशेंस कॉलम में, आई शो यू. और ऐसे भी तुमको ये चेक करना चाहिए बाय यूजिंग द डुप्लीकेटेड मेथड, ठीक है. अगर तुम पेशेंस के ऊपर अपने डेटा फ्रेम के ऊपर डुप्लीकेटेड लगाते हो, वॉट दिस विल डू इज दिस विल टेल यू कि तुम्हारा पूरा का पूरा रो डुप्लीकेटेड है कि नहीं, ठीक है. सो इस पॉइंट पे तो सारा ही फॉल्स दिख रहा है. तो एक काम करते हैं, मैंने एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर लगाया था, एड्रेस कॉलम के ऊपर, वो मैं दिखाता हूँ. और वहाँ से मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग मिला, एड्रेस डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है. यहाँ पर कुछ ट्रू वैल्यूज मेरे को मिली, मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे थे, देखो यहाँ पे लास्ट में ट्रू है. सो बेसिकली कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका एड्रेस रिपीट कर रहा था, ठीक है. इसका मतलब वो सेम घर के पेशेंट्स होने चाहिए. बट जब मैंने बैक ट्रैक किया फिर से, मतलब वापस इसको पेशेंट्स में डाला, और जब मेरे को ये चीज़ मिला, आई शो यू, ये उन सारे पेशेंट्स का डिटेल है जिनका एड्रेस इज डुप्लीकेटेड, दो बार आया, ठीक है, मिनिमम दो बार आया. सो यू विल नोटिस कि जैसे कि दिस गाय, इसका पहले एक बार ये एड्रेस आ चुका है. ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये रिपीटेड वैल्यू है, ये हमको अलग से एलिमिनेट करना पड़ेगा. बट मेन प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया, 123 मेन स्ट्रीट, 123 मेन स्ट्रीट, 123 मेन स्ट्रीट, 123 मेन स्ट्रीट. और हर बार पेशेंट का नाम है जॉन डो. अब अगर तुमने वेब डेवलपमेंट वगैरह किया होगा तो तुमको पता होगा कि इट्स बेसिकली अ प्लेस होल्डर. जॉन डो इज बेसिकली अ प्लेस होल्डर. तुम कभी भी कोई डिज़ाइन विज़ाइन करते हो तो वहाँ पे जॉन डो लिख देते हो, इट्स अ प्लेस होल्डर. सो इस डेटा में समहाउ देर आर 5 और 6 प्लेस होल्डर्स पेशेंट्स के बदले, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये डेटा काम का नहीं है और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है. सो विल राइट डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट एंड क्या लिखें उसको कि हमारे काम का नहीं है, नॉट यूजफुल, लेट्स कॉल इट नॉट यूजफुल डेटा इन डेटा सेट, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है. ओके, वन लास्ट थिंग जो हम प्रोग्रामेटिक असेसमेंट से हम लोग को पता चलेगा, और ये तुम लोग को पहले भी दिखा होगा शायद, ये ट्रीटमेंट्स कॉलम में अगर तुम जाओ तो यू विल नोटिस कि ट्रीटमेंट्स कॉलम में कुछ पैसेंजर्स को हमने, आई एम रियली सॉरी, कुछ पेशेंट्स को हमने ऑरेलिन दिया और कुछ पेशेंट्स को हमने नोवाड्रा दिया. तो नोवाड्रा जिसको दिया उसका ऑरेलिन ब्लैंक होना है, और जिसका जिसको ऑरेलिन दिया उसका नोवाड्रा ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है. बट इफ़ यू नोटिस जब हमने इन्फो चलाया तो हम लोग को क्लियरली दिखाई दिया, आई शो यू, कि जब हमने ट्रीटमेंट्स के ऊपर इन्फो चलाया तो हमारा ओरोलिन भी 280 दिखा रहा है और नोवोड्रा भी 280 दिखा रहा है. इट इज़ बिकॉज कि वहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको नल होना चाहिए था, बट दीज वैल्यूज़ आर नॉट नल, दीज वैल्यूज़ आर नॉट नल. इंस्टेड वहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है. और ऑब्वियसली डैश लगाना इज़ बैड, नल इज़ बेटर, नल हमारे कंट्रोल में है, राइट. डैश को हैंडल करने के लिए हमारे पास लॉजिक नहीं है. सो ये भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे और हम लिखेंगे ट्रीटमेंट्स टेबल में कि यूज ऑफ डैशेस
instead of NaN in Orulin and Novodra columns. ठीक है, सो गाइज ये हुआ अपना प्रोग्रामेटिक असेसमेंट. और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बहुत ही वियर्ड सॉर्ट ऑफ डेटा सेट बनाया है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड ये चीज़ सीखने के लिए. अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट में अनटाइडी डेटा को पता करेंगे कहाँ पर है. ठीक है, क्वालिटी वाला सारा डेटा हमने निकाल लिया, अब टाइडीनेस इश्यूज के ऊपर फोकस करेंगे और उसमें भी दोनों अप्रोचेज यूज करेंगे. पहले हम लोग मैनुअली करेंगे देख करके, फिर हम लोग प्रोग्रामेटिकली करेंगे. ओके, सो थैंक यू. ओके गाइस, सो नाउ दैट वी आर डन विद द क्वालिटी इश्यूज इन आवर डेटा, बहुत सारे हैं देखो यार, बहुत सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइडीनेस इश्यूज. ओके, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. सो जितना मैंने देखा इस डेटा में तीन प्रॉब्लम्स हैं, आई शो यू वन बाय वन. तीनों टेबल्स में एक एक प्रॉब्लम है. ठीक है, पेशेंट्स, ट्रीटमेंट्स, एडवर्स रिएक्शन, तीनों में एक एक प्रॉब्लम है, आई शो यू. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो यार, ये रूल देख लो, हमने जस्ट डिस्कस किया था कि टाइडी डेटा का ये रूल्स होते हैं. ईच वेरिएबल फॉर्म्स अ कॉलम, ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल फॉर्म अ कॉलम. ओके, ईच ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स अ रो एंड ईच ऑब्जर्वेशनल यूनिट फॉर्म्स अ टेबल. ये तीन रूल्स हैं. ठीक है, सो जहां पे भी ये रूल्स वॉयलेट होंगे वहां पर अपना स्ट्रक्चरल इशू है, वहां पे अपना अनटाइडी डेटा है, विल आइडेंटिफाई दैट. ठीक है, सो एक तो क्लियरली मेरे को यहां पे दिखाई दिया कॉन्टैक्ट में. कॉन्टैक्ट में इफ यू नोटिस कि एक ही कॉलम में हम दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, हम फोन नंबर भी डाल रहे हैं, हम ईमेल भी डाल रहे हैं. तो ये पहला प्रॉब्लम है, दिस इज अनटाइडी. यहां पर हर वेरिएबल का एक कॉलम नहीं बन रहा है, दो वेरिएबल्स का एक सिंगल कॉलम बन रहा है. सो विल रेक्टिफाई दैट, बिफोर दैट विल डॉक्यूमेंट इट. सो लेट्स गो टू दिस प्लेस, या पेशेंट्स, इनसाइड पेशेंट्स, नॉट दिस वन, इनसाइड पेशेंट्स विल डॉक्यूमेंट इट, विल राइट रिमूव, या ऐसे लिख सकते हैं कि फोन एंड ईमेल टुगेदर इन वन कॉलम, दैट इज द कॉन्टैक्ट कॉलम. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इशू. द सेकेंड इशू, अगेन अ वेरी लॉजिकल इशू, इज प्रेजेंट इन दिस टेबल, ट्रीटमेंट्स टेबल, आई शो यू. या सो यहां पर अगर तुम नोटिस करो, ये जिसने भी डेटा क्रिएट किया बहुत वियर्ड ढंग से चीजों को उसने स्टोर किया. ऑरलिन, देर आर इन टोटल 280 पेशेंट्स, और कुछ को ऑरलिन मिला है, कुछ को नोबोड्रा मिला है, किसी को भी दोनों नहीं मिला. ठीक है, सो इसने कैसे किया टेबल ऑर्गेनाइज, उसने एक कॉलम बनाया ऑरलिन के लिए और एक बनाया नोबोड्रा के लिए. राइट, कायदे से इफ यू थिंक अबाउट इट, यहां पर तीन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं. पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लोअर डोज कितना है, दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हायर डोज कितना है, और थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कि कौन सी दवा मिली है, ऑरलिन या नोवोड्रा. और ये तीन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे दो कॉलम्स में स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए सही नहीं है. हमें कायदे से क्या करना चाहिए था कि हमें तीन कॉलम्स बनाने चाहिए थे, पहला लोअर डोज, दूसरा अपर डोज, तीसरा ट्रीटमेंट टाइप, ऑरलिन और नोवोड्रा. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है. सो हम क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे. सो विल राइट इनसाइड ट्रीटमेंट्स टेबल, विल राइट थ्री वेरिएबल्स स्टोर्ड इन ऑरलिन एंड नोवोड्रा कॉलम्स. ठीक है, ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल. थर्ड प्रॉब्लम, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, ये वाला टेबल जो कॉन्स्टेंटली हमने इसके ऊपर नोटिस नहीं किया जाता, इज द एडवर्स टेबल. इसमें बेसिकली क्या है ये टेबल, कि जिन हमने 280 पेशेंट्स को दवाई दिया, और ये टेबल में हमने उन पेशेंट्स का नाम नोट डाउन किया जिनके साथ कुछ एडवर्स रिएक्शन हुआ दवाई का. ठीक है, अब ये टोटल मिला के
34 पेशेंट्स हैं आउट ऑफ 280 पेशेंट्स, तो बेसिकली ये वही पेशेंट्स हैं, राइट? अब सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कि उनको एडवर्स रिएक्शन हुआ, मैंने एक सेपरेट टेबल बनाया. दिस इज नॉट लॉजिकल. ये सेपरेट खुद में ऑब्जर्वेशनल यूनिट बनने के लायक नहीं है. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये एडवर्स रिएक्शन टेबल का जो ये कॉलम एडवर्स रिएक्शन, इसको उठा करके ट्रीटमेंट्स टेबल में ही डाल दूंगा. जिन भी पेशेंट्स को रिएक्शन हुआ वहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन का टाइप, जिनको भी नहीं हुआ वहाँ पे नैन वैल्यू रहेगा. उसके लिए एक सेपरेट टेबल बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? सो हम नीचे जाते हैं और हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं नो पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस टेबल, राइट? कोई ज़रूरत नहीं है. एंड गाइस, ये हुए अपने तीन टाइडनेस इश्यूज, ये भी हम लोग को रिमूव करने होंगे, ठीक है, जब हम क्लीनिंग करेंगे. सो आई होप अभी तक का पूरा चीज़ समझ में आ रहा है. ओके गाइस, सो एक लास्ट चीज़, तुम्हारे जो डेटा क्वालिटी इश्यूज होते हैं ना, ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, चार टाइप्स होते हैं इसके, ये जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं. पहला होता है कंप्लीटनेस इशू. सो डेटा मिसिंग है, डेटा है ही नहीं, दिस इज कंप्लीटनेस इशू, ठीक है. सेकेंड होता है वैलिडिटी इशू. डेटा है पर वैलिड नहीं है, ठीक है, इनवैलिड है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल, हाइट नेगेटिव में दिया हुआ है, दिस इज इनवैलिड, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है. थर्ड है एक्यूरेसी इशू. डेटा इज अवेलेबल एज इन कंप्लीट है, वैलिड भी है बट एक्यूरेट नहीं है, देर इज नो पॉइंट. जैसे कि हाइट है 1 सेंटीमीटर, इनएक्यूरेट डेटा, कोई पॉइंट नहीं है इस डेटा का, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज कंसिस्टेंसी इशू. डेटा इज इनकंसिस्टेंट, कभी न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, कभी NY लिखा हुआ है, ठीक है. सो ये चार डायमेंशंस होते हैं. इनको याद रखने से ये फायदा होगा ना कि जब भी तुम पता कर रहे हो कि क्या क्या इश्यूज हैं, तुम्हारे दिमाग में यू कैन एक्चुअली यू नो कॉल देम, यू कैन एक्चुअली रेफर देम विथ वन डायमेंशन, और फिर यू गेट दिस क्लैरिटी कि क्या चल रहा है, ठीक है. अगर तुमसे कोई पूछे कि इनमें से सबसे सीरियस कौन सा है और सबसे कम सीरियस कौन सा है, तो एक्सपीरियंस बेसिस पर आई वुड से कंप्लीटनेस इशू सबसे ज़्यादा सीरियस इशू है. तो तुमको सबसे पहले इनकम्प्लीट डेटा को फिल करने का सोचना चाहिए, ठीक है. उसके बाद सबसे सीरियस इशू है वैलिडिटी का, इनवैलिड डेटा खराब होता है. उसके बाद एक्यूरेसी, और उसके बाद कंसिस्टेंसी, ठीक है. सबसे कम नुकसान होता है इनकंसिस्टेंट डेटा से, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल डू इज, विल डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. हमने जितने भी ये डेटा क्वालिटी इशूज निकाले, आई शो यू, हमने यहाँ पे जितने भी डेटा क्वालिटी इशूज निकाले, हम उनको इन चार डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं. इट वुड बी ए गुड प्रैक्टिस एंड अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम इन पांच, इन चार चीजों में डिवाइड करेंगे. सो कंप्लीटनेस, नेक्स्ट इज वैलिडिटी, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, एंड फाइनली कंसिस्टेंसी, ठीक है. हम इन चार में सबको डिवाइड करने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज, जिप कोड कॉलम इज स्टोर्ड इन डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है. जिप कोड डेसिमल में स्टोर्ड है, कंप्लीटनेस का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेटा कंप्लीट है. वैलिडिटी, सो बिकॉज ऑफ दैट डॉट वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है. सो यहां पर ईदर इट शुड बी वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं है, दिस इज वैलिडिटी. सो हम ये इश्यू डाल रहे हैं वी में, ठीक है, वी एज इन वैलिडिटी. नेक्स्ट इज सर्टेन जिप कोड्स ऑफ 4 डिजिट्स, अगेन इट्स नॉट वैलिड. डेसिमल में जिप कोड नहीं हो सकता, 4 डिजिट का जिप कोड नहीं हो सकता, दोनों के दोनों वैलिडिटी इश्यूज हैं, ठीक है, इनवैलिड डेटा हो जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर द स्टेट कॉलम्स, समटाइम फुल नेम्स आर यूज्ड, अदर टाइम्स शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड, न्यूयॉर्क NY. तो ये अपने को पता है, ये कंसिस्टेंसी इश्यूज है. आई विल राइट इट IC, IC एज इन इनकंसिस्टेंट डेटा. नेक्स्ट इज मिसिंग वैल्यूज फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये कंप्लीटनेस इशू है. नेक्स्ट इज इनकरेक्ट डेटा टाइप फॉर असाइंड सेक्स एंड बर्थ डेट कॉलम्स, इनकरेक्ट डेटा टाइप्स असाइंड फॉर, सो बिकॉज ऑफ, ये एक्चुअली कंप्लीटनेस इशू नहीं है, ये वैलिडिटी इशू, इनवैलिड नहीं हो रहा डेटा हमने जो ये रखा है. एक्यूरेसी भी नहीं जा रहा इससे, और कंसिस्टेंसी भी एक्चुअली नहीं है. सो दिस इज अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी. आप भी सोचना क्या हो सकता है.
नेक्स्ट इज एरोनियस, ओके एरोनियस डेटा फॉर वेट्स एंड हाइट्स, ये फॉर श्योर एक्यूरेसी इशू है, ठीक है, क्योंकि इतना कम वेट और हाइट नहीं हो सकता तो एक्यूरेट नहीं है. इनकंसिस्टेंट वे ऑफ स्टोरिंग फोन नंबर्स इन कॉन्टैक्ट कॉलम, ये कंसिस्टेंसी इशू है आईसी, ठीक है. डुप्लीकेट एंड नॉट यूजफुल डेटा इन डेटा सेट, सो डुप्लीकेटेड डेटा है ये हमारा आएगा. डुप्लीकेट डेटा विल कम अंडर, लेट मी थिंक, कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट कंसिस्टेंट विथ आर स्कीमा. हमारे स्कीमा के हिसाब से हर पेशेंट का नाम एक बार आना चाहिए, यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो स्कीमा का जो डिज़ाइन है हम उसको वॉयलेट कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है हमारे स्कीमा डिज़ाइन से, तो इट वुड बी एन कंसिस्टेंसी इशू, ठीक है, आईसी. नेक्स्ट अगर आप जाओ तो H1BAC कॉलम हैज़ मिसिंग वैल्यूज, अगेन कंप्लीटनेस इशूज. नेक्स्ट इज नोबोड्रा एंड ऑरोलिन कॉलम हैज़ अटैच्ड यू टू द नंबर्स, दिस इज़ एन वैलिडिटी इशू क्योंकि वैलिड ही नहीं रहा उसके बाद. 280 रोज आर देयर, सो दिस इज कंप्लीटनेस इशू. नेम एंड सरनेम कॉलम्स आर इन लोअर केस, दिस इज कंसिस्टेंसी इशू, कुछ जगह पे अपर केस है, कुछ जगह पे लोअर केस है. इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स और ऑरोलिन एंड नोवोड्रा कॉलम्स, अगेन दिस इज रिलेटेड टू वैलिडिटी बिकॉज डेटा फिर वैलिड ही नहीं रहेगा, और कभी कभी 9 की जगह पे 4 है, तो ये है एक्यूरेसी इशू, ठीक है. और यूज ऑफ डैशेज इंस्टेड ऑफ नैन इन ऑरोलिन एंड नोवोड्रा, सो अगेन ये इनकंसिस्टेंसी इशू है क्योंकि हम लोग को नैन को रिप्रेजेंट करना था NaN से, यहाँ पे हम डैश से कर रहे हैं, तो दिस इज IC. और एडवर्स रिएक्शन में भी नेम एंड सरनेम कॉलम्स आर इन लोअर केस, सो दिस इज अगेन एन इनकंसिस्टेंसी इशू, ठीक है. सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी तुम कुछ डेटा कंप्लीटनेस, सॉरी डेटा क्वालिटी का प्रॉब्लम्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डेटा सेट से, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्लासीफाई देम इन टू वन ऑफ दीज डायमेंशंस, तुमको पर्सपेक्टिव मिलेगा, ठीक है. सो आई गेस दिस एंटायर थिंग इज क्लियर. अब नेक्स्ट मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जहां पर हम इन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे, विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ डेटा रैंगलिंग, क्लीनिंग द डेटा सेट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.